हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। बिहार में 765 राजस्व अधिकारी और 1522 अमीन जल्द होंगे बहाल, ये आज का न्यूज़पेपर है। मतलब 3 जुलाई का हिंदुस्तान का मुजफ्फरपुर संस्करण है। राज्य में 765 राजस्व अधिकारी व 1522 अमीनों की बहाली जल्द होगी, इसका प्रस्ताव संबंधित संस्थानों को भेजा गया है। परीक्षा के बाद 175 राजस्व अधिकारियों का चयन भी हो गया है, जल्द ही इसका पोस्टिंग कर दी जाएगी। भूमि सुधार व राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल ने विधान परिषद में यह घोषणा की, कहा कि राज्य में राजस्व अधिकारियों के 1597 पद स्वीकृत है, जबकि वर्तमान में 471 अधिकारी ही कार्यरत है। देखिए, बहाली इनकी जल्द होगी क्योंकि राज्य में राजस्व अधिकारी का जो टोटल पद है वो 1597 पद स्वीकृत है, लेकिन अभी वर्तमान में वहाँ पे 471 अधिकारी ही कार्यरत है। तो शेष खाली पदों को भरने के लिए 3 बार प्रस्ताव भेजा गया था। बार बार देखते हैं, कई बार मैं अपने चैनल पे भी इस न्यूज़ को लेकर आई थी, बार बार ये न्यूज़पेपर में आता था। बहाली की प्रक्रिया चल रही है। मंत्री ने कहा कि अमीनों के 1522 पद और राजस्व कर्मचारी के 4353 पद खाली है, इनकी बहाली की प्रक्रिया भी चल रही है। और इनकी बहाली की प्रक्रिया चल रही है जिसमें राजस्व अमीनों का कितना है, 1522 पद है टोटल, और अमीन का है राजस्व कर्मचारी का है 4353 पद टोटल, इसके लिए बहाली की प्रक्रिया चल रही है। चलिए और देखते हैं। मंत्री ने कहा, शुरू कर दी गई है बहाली की प्रक्रिया, दाखिल खारिज में गड़बड़ी करने वाले पर होगी कार्रवाई, और 471 अधिकारी ही कार्यरत है। राज्य भर में 175 राजस्व अधिकारियों का चयन हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आए लाइक करें और हमारे साथ बने रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।